अच्छा एक तो ये इन्होंने नापाकी की हालत में कुरान कहती है मजबूरी में छू लिया तो इस पर कफ़ारा कोई भी नहीं है बस अल्लाह ताला की बारगाह में तोबा कर लें और आइंदा एहतियात करें तहज्जुद की कम अज़ कम दो रकत और ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आठ मनक़ूल हैं लेकिन ज़्यादा पढ़ लें तो मना भी नहीं है ठीक है ना मना नहीं किया वो तो आठ तक मनक़ूल है तो पढ़ सकते हैं और ये सुन्नत मौदा नहीं है हमारे लिए गैर मौदा आप कह सकते हैं सुन्नत गैर मौदा ये मुस्तहब के दर्जे में पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा नहीं पढ़ेंगे तो गुनागार नहीं होंगे और वितर में कहते हैं कायदा अख़ीर में कुल अल्लाह शरीफ पढ़ ली ये याद रखें किसी भी रुकन में क्याम के अलावा अगर कुरान पढ़ेंगे तो सरदा साहब वाजिब होगा हो तो ये आखिर में सरदा साहब करें और अगर गैर मुस्लिम का पैसा हतीमान मस्जिद में ना लगाएं इस किस्म के अमूर में गैर मुस्लिम का पैसा यूज़ नहीं करना चाहिए हाँ ये हो सकता है कि अगर कोई इसरार कर रहा है और ना उसको ना लेने में नाराजगी का अंदेशा है नुकसान का अंदेशा है ले लें मस्जिद में ना लगाएं किसी और काम में लगा लें या इस्तंजा खाना बना लें हाँ इस्तंजा खाने और जूती रखने की जगह इस इस मकाम पर लगा लें खास मस्जिद के अंदर ना लगे